दर्शन न्यूज। सारण के रिविलगंज थाना पुलिस ने बीती रात्रि 1192 कार्टून अंग्रेजी शराब लदे दो ट्रकों को किया जब्त। बिहार उत्पाद विभाग की सूचना के आधार पर रिविलगंज थाना अध्यक्ष ओम प्रकाश चौहान और पीएसआई गुंजन कुमारी के नेतृत्व में रिविलगंज थाना के सामने से दो ट्रकों पर 1192 कार्टून में रखे गए लगभग 10,728 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद किया गया। इसकी जानकारी देते हुए थाना अध्यक्ष ओम प्रकाश चौहान ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर रिविलगंज थाना के सामने से दो ट्रक में लदी हरियाणा निर्मित 1192 कार्टून यानी 10,728 लीटर इंपीरियम ब्लू नामक अंग्रेजी शराब के साथ ट्रक जब्त किया गया है। जब्त दोनों ट्रकों के चालकों को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा उनसे पूछताछ भी की जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार ट्रक में बने लोहे के केबिन के ऊपर लकड़ी का बुरादा तथा मवेशियों का खिलाया जाने वाला खली लदा हुआ था तथा उसके नीचे केबिन में शराब भरा पड़ा हुआ था। पकड़े गए ट्रक में एक 10 चक्का तथा दूसरा 14 चक्का ट्रक है। पुलिस ने शराब की मात्रा का मिलान कर उसे पुनः ट्रक में पैक कराकर थाना परिसर में सुरक्षित रख दिया है। बरामद शराब की कीमत 1.5 करोड़ के रुपए के लागत के आसपास बताई जाती है। सारण से वीरेंद्र सिंह की रिपोर्ट।